हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ एक नई डिश के साथ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे केले की फ़िश करी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा ये फ़िश करी। तो देखिए इसके लिए क्या क्या लगता है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो मैं दो लोग के लिए बना रही हूँ, तो इसमें देखिए मैंने 3 कच्चे केले लिए हैं। और क्या चाहिए, देखिए मैंने 3 बड़ा प्याज, 3 टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, खड़े मसाले में तेज पत्ता, 2 लाल मिर्च, 2 लाल चीनी, 1 इलायची, 4 से 5 काली मिर्च, 2 लौंग, 2 से हरी इलायची, और मसाले लगेंगे हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक, ये सब हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्याज और इसमें क्या करेंगे, टमाटर, इन सबको इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसमें ये हम 3 से 4 जो हरी मिर्च थी उनको ऐड कर देते हैं और इसका पेस्ट बना लेते हैं। देखिए पेस्ट जो रेडी हो गया है, तो हम क्या करते हैं, इनके जो कच्चे केले के छिलकल हैं इनको हम अच्छे से बारीक इनको निकाल लेते हैं। इस तरह से, क्योंकि फ्रेश केला रहता है तो बहुत अच्छे आसानी से इजी से निकल जाता है। ये देखिए मेरे गार्डन है तो वहाँ से मैंने लिए हैं। तो अब इसका जहाँ हमको जो पीस कट करने हैं, ना बहुत ही पतला नहीं करना, ना ही ज़्यादा मोटा, हमको बीच का रखना है। इस तरह से हम बनाना हमें कट कर लेंगे। अब एक पीस में कम से कम 4 पीस निकल आते हैं। तो इस तरह से हम अब इनके साइड में फिश की जो शेप होती है हम उसमें केले में बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इसके पीछे हम कट कर लेते हैं और इसको बना लेते हैं। इस तरह से हम सारा अच्छे से कट करके इस तरह से हम सारे बना लेंगे फिश को। ये फ्रेंड्स, मैंने भी रेसिपी सीखी थी, ये बहुत अच्छी बनी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। तो जो नॉन वेज वाले हैं वो तो फ़िश खाते हैं, तो वेज वाले भी अब ये फ़िश करी खा सकते हैं। तो इसमें देखिए मैंने बेसन लिया है 1 कप, इसमें हम अजवाइन डाल देंगे, इसमें हल्दी और नमक ऐड कर देंगे। अब इसको पानी डाल के इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे। इसका पेस्ट जो है ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, थोड़ा मीडियम रखेंगे हम, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। तो इस तरह से इसको हम फेंट लेंगे, जितना ये फ्लफ़ी हो जाएगा ना उतनी ही, मतलब जब हम बनाना की चीज इसमें डालेंगे वो उतनी ही अच्छी बनेंगी फूली हुई। देखिए इस तरह से हम इसको फ्लफ़ी कर लेंगे फेंट के, और जितना फिटा होता है उतना अच्छा रिज़ल्ट भी आता है। तो अब इसमें देखिए ऑयल गर्म हो गया है, अब इसको हम डिप करेंगे केले की क्लिप। तो अब इसको क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो बेसन है उसको निकाल देंगे और इसके बाद इसको तेल में डाल देंगे हम इस तरह से हम डालने के बाद इनको फ्राई कर लेंगे गैस को मीडियम आंच पे रख के, फिर इसको फिर तेज आंच में पका लेंगे हम इनको। इस तरह से हम इनको, जब एक साइड से पक गई हैं तो इनको हम इनको लेंगे, इनको गोल्डन कलर तक हम सेकेंगे। देखिए इनमें गोल्डन कलर आने लगा है, तो अब इस तरह से हम इनके गोल्डन कलर तक इनको सेक लेंगे। देखिए इसमें गोल्डन कलर आ गया है, अब इनको हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारी रेडी कर लेंगे। तो अब ग्रेवी चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम कढ़ाई में जो तेल था उसी जो बचा हुआ उसी में ही हम सारे खड़े मसाले ऐड कर देंगे। इनको अच्छे से मसालों को धीमे आंच में मसालों को थोड़ा फ्राई होने देंगे। इससे क्या होता है, जो तेल में जो सारे जो खड़े मसाले होते हैं उनका सबका स्मेल और सबका इनका बहुत अच्छा मतलब फ्लेवर्स आते हैं तेल में। अब इसमें क्या करेंगे, इसको फ्राई होने के बाद इसमें हमने जो पेस्ट बनाया था टमाटर प्याज और मिर्ची का, इसका पेस्ट ऐड कर देंगे। अब इस तरह से इसमें हम पेस्ट को डाल देंगे और जो जार में लगा उसमें हल्का सा पानी डाल के उसको भी हम इसमें
डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब इनमें हम कुछ मसाले डालेंगे, जैसे हल्दी लिया है मैंने, धनिया, नमक, सब्जी मसाला और नमक और गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर। ये हम इस सब सारे मसालों को अब इनको मिक्स कर लेंगे। और गैस को क्या करेंगे ना, हम हाई फ्लेम पे ही चलाएंगे इनको। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पे ही इनको हमको मसालों को पकाना है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो पानी है वो सब निकल जाएगा। अब इसमें हम एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। इससे क्या होता है, कलर जो सब्ज़ी का है और अच्छा आता है। एकदम आपको फील आएगा कि मतलब हम रियल में लोग जो लोग मतलब खाते हैं फिश, उसकी वैसे ही मतलब ग्रेवी बनती है। बहुत ही चटपटी बनती है ये ग्रेवी, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो इस तरह से क्या करेंगे, अब इसको हम इसके जो तेज़ आँच पे इसको पका लेंगे ग्रेवी को। और इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ी हम इसको कवर कर देंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। देखिए इसमें आप चेक से इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। देखिए जो कलर है उसमें ऑयल जो है देखिए अलग अलग हो गया है, तो मतलब इसकी ग्रेवी जो पक गई है। तो इसमें हम थोड़ा सा क्या करेंगे, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिला देंगे। हम इसका नामी फिश करी है, इसको बिल्कुल थोड़ी इसकी ग्रेवी भी चटपटी होगी और इसको ठीक रखेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। देखिए देखिए इसमें कलर आ गया ना, अच्छा कलर बिल्कुल लग रही है ना करी, फिश करी वाली ग्रेवी। तो इस तरह से हम इसमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि साइड से ऑयल छूट गया है। देखिए साइड से मसाले ने जो है ऑयल रिलीज़ कर दिया है। तो ये इस तरह ये हमारा जो रेडी हो गया है मसाला, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक पैकेट मैगी मसाला ऐड कर देंगे। इसका स्वाद और दुगना बढ़ा देंगे हम। तो अब इसको डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें जो ऑयल इसमें देखिए इसमें किनारे किनारे साइड पे ऑयल आ चुका है। तो ये हमारी जो ग्रेवी है रेडी हो गई है। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। ज़्यादा हम इसको पतला नहीं बनाएंगे, क्योंकि हल्का से ही ग्रेवी को हम रखेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। तो इसमें मैंने एक गिलास के आसपास पानी डाल दिया है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको बॉयल आने देंगे। आप लोग इसके कोफ्ते से फिश के कोफ्ते भी बना के डाल सकते हैं। जैसे मैंने इसमें फ़िश का शेप दिया है, आप इसको कोफ्ते भी बना के डाल सकते हैं। लेकिन मैंने इसको एक नया रूप दिया है, तो इसलिए मैंने इसको इसकी फ़िश बना के इसका डाला है केले की। तो ये खाने में बहुत अच्छी लगती है, मैंने तो ट्राई किया, मुझे तो बहुत पसंद आई। तो मैंने ये रेसिपी आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग भी जब भी कभी भी घर में कोई गेस्ट आए तो ये बनाइएगा, तो बहुत तारीफ़ मिलेगी। तो ये देखिए उसमें अब ग्रेवी में बॉयल आ चुका है, ग्रेवी रेडी हो गई है। और इसमें हम धनिया पत्ती से इसको गार्निश कर देते हैं। अभी रेडी हो गई। और इसमें क्या है, जो हमने जो फिश बनाई थी वो डायरेक्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि वो मेल्ट हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, जब खाना होगा तो रख के ऊपर से इसमें ग्रेवी सर्व करेंगे। जैसे हम लोग कोफ्ते बनाते हैं ना, तो उस तरह से हम इसकी ग्रेवी को सर्व करेंगे। चलिए सर्व करती हूँ मैं। तो देखिए मैंने बनाना लीफ लिया है, उसके ऊपर राइस रखे हैं। तो अब ये देखिए मैंने इसकी जो आइज है ना, वो लॉन्ग से बनाई है। तो इस तरह से लॉन्ग को लगा के अब इसमें ये मैंने फिश को अच्छे से ये रख दिया है। अब इसके ऊपर से ही हम ग्रेवी को ऐड करेंगे। ये देखिए देखने में लग रही है ना चटपटी मसालेदार, तो देख के पानी ज़रूर आ रहा होगा आप लोग को। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे तो देख के ही मन कर रहा है। बस मैं तो वीडियो शूट करने के बाद तुरंत ही खाऊंगी इसको। तो
तो ये इसको क्रीम से मैंने थोड़ा सा क्रीम से डेकोरेट कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए बनके रेडी हो गई है हमारी मसाला फ़िश करी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और हम मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। तो मिलती हूँ मैं अपनी नई अगली नई डिश के साथ, तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।